अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली बीन्स विद अनम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कैनवा के बारे में, कि मैं पहले भी इसके बारे में बहुत से वीडियोस बना चुकी हूँ और आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कैनवा के फ्री यूज़ फ्रंट कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं और उसके बाद किस तरह से आप फाइवर पे इसकी सर्विसेज देंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट और किस तरह से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी जो ऑनलाइन सेल करने वाले जो लोग हैं जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं उनके लिए किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो और एज ए सोशल मीडिया मैनेजर काम कर सकते हो उनके लिए। तो सबसे पहले आपको कैनवा आना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैनवा को सिखाने के लिए कैनवा में किस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस कैनवा पे साइन अप करते हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं यूट्यूब की। सबसे पहले हम इसके होम पेज की तरफ आएंगे। होम पेज में यहाँ पे सब डिफरेंट टेम्पलेट्स दी गई होती हैं, वीडियो, प्रेजेंटेशन, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इंस्टाग्राम पोस्ट किस तरह से बनाते हैं, कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इंस्टाग्राम पोस्ट बना के आप एज एन इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे भी फाइवर पे आप अपने ड्यूटीज़ दे सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इससे भी आप डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले रीसेंट हमारे पास ये एलिमेंट टेम्पलेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि कैनवा में किस तरह की टेम्पलेट्स दी गई हैं कि आप लोग वहाँ से टेम्पलेट को उठा के थोड़ी सी उसमें आप थोड़ी सी चेंजेस करके तो आप अपने लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। ये जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे ये क्राउन का जो निशान बना हुआ होता है, क्राउन का लोगो जो दिया हुआ है वो है प्रो में आता है, कैनवा प्रो में। आपको मंथली उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आपको ये वाले टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इसमें साथ में आपको वाटर मार्क आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, इसमें मुझे साथ में इसको थर्टी डेज के लिए करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़ करूँगी इसकी जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे मेमोरियल डेज के लिए बना लेते हैं हम लोग। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ब्रांड को आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो मेमोरियल डे के लिए भी आप लोग इसको इस टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। या यहाँ पे जैसे अब फादर्स डे है तो आप अगर फादर्स डे की किसी चीज़ के लिए आप लोग बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, तो यहाँ पे आप सिंपली किसी ब्रांड के लिए बना रहे हो तो फादर्स डे, राइट, रिमेंबर एंड ऑनर। तो इसके साथ साथ आप दो जो भी चेंजेस करना चाह रहे हो, जैसे आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आप साथ में कोई भी क्लॉथ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले से क्लॉथिस देख के रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लॉथिस या कोई भी चीज़ जिस ब्रांड के लिए आप लोग फादर्स डे पे कोई सेल लगाना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कोई भी ब्रांड को साथ में नीचे दे सकते हैं।
इस तरह से। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। यहाँ से कैनवा को यूज़ करना, और ये आप अपने, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के टच से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपने कंप्यूटर से ये लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड यूज़ करते हुए आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप के लिए ये होता है कि हम यहाँ पे इसके जो सर्कल्स हैं इस पर क्लिक करके, और साथ में आप लोग अपने कीपैड के जो राइट साइड पे, राइट हैंड पे जो कॉर्नर होता है, नीचे वाला कॉर्नर जो डाउन साइड पे होता है, उसको आप क्लिक करके या उसकी उसकी मदद से आप लोग इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करते हुए आप लोग अपने इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। फॉर नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और शेयर माई